जिसके अंदर बच्चा होता है, तीन तीन अंधेरों में बच्चा परवरिश पा रहा है। बिल्कुल हैरत अंगेज बात है। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, है ना? बगैर ऑक्सीजन के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो आप बताइए, वो बच्चा जो माँ के पेट में, वो भी तो इंसानी बच्चा है। वो ऑक्सीजन के बगैर माँ का जो पानी होता है उसके अंदर जिंदा है, इसने जिंदा रखा। अरे वही अल्लाह है जिसने मछली के पेट में यूनुस अलैहि सलाम को समंदर के अंदर रखा था, वहां पर भी अंधेरों पर अंधेरे थे, वहां पर जो अल्लाह यूनुस अलैहि सलाम को जिंदा रखता है, वही अल्लाह माँ के पेट में इस बच्चे को जिंदा रखता है। हैरत अंगेज बात है, बिल्कुल हैरत अंगेज। कैसे बच्चा जिंदा, जैसे ही बाहर आता है फौरन दुनिया की ऑक्सीजन लेकर इंसान की अलामतें जाहिर करता कि मैं इंसान का बच्चा हूं, और अब तक मां के पेट में अजीब और गरीब हालत में जिंदा था। यह है वो अल्लाह जो तीन अंधेरों में तुम्हें पैदा करता है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ऐ लोगों ये है तुम्हारा रब। अब बताओ ये सिफत किस मखलूक में है, किस मखलूक में जो माँ के पेट में तीन दिन अंधेरों में बच्चे की परवरिश करे, उसकी देखभाल करे, उसको क्या कहते हैं, उसकी तखलीक करे, फले फूले बड़े, कौन करने वाला? अगर आप तीसरे पारे का अगर मुताला करें, इसमें अल्लाह तआला इंसान की तखलीक के बारे में काफी हद तक अल्लाह ने जिक्र किया है, उसमें अल्लाह तआला बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल करता है, थुम्मा सव्वाक, फिर अल्लाह तआला ने तुम्हें दुरुस्त किया। दुरुस्त का क्या माना है? अल्लाह तआला इंसान को दुनिया में पैदा करने के बाद इंसान के अज़ा को अल्लाह ने दुरुस्त किए, तो हैरत अंगेज बात है। आप गौर कीजिए, अगर इंसान वाकई और फिक्र का मादा रखे तो रात में सोए नहीं और जागने पर भी मजा आए। अल्लाह तआला की क्या खिलकत है, क्या उधर ताकत है अल्लाह तआला की, सोचते सोचते बड़ा मजा आया उसको। अल्लाह तआला ने कहा, अल्लाह तआला इंसान के अज़ा को अल्लाह ने दुरुस्त किया। अब आप देखिए हैरत अंगेज बात, इंसान का बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद महीना, दो महीने, चार महीने, एक साल के बाद आप उस बच्चे के दोनों हाथों को नाप कर देखिए, जितना ये हाथ लंबा होगा उतना ही हाथ लंबा होगा। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि एक हाथ ही बढ़ता गया, एक हाथ यहीं जहाँ का वहाँ रहा? मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूँ, उन रेयर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? ये अल्लाह तआला कहता है हमने इसके अज़ा को दुरुस्त किया। एक कान बिल्कुल बड़ा होता जा रहा है, एक कान छोटा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक पैर बड़ा एक पैर छोटा क्यों नहीं हुआ? ये अल्लाह है जो परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ इंसान को पैदा कर रहा है इस दुनिया में। अल्लाह कहता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब जिसने तुम्हें पैदा किया। लहुल मुल्क, उसी के लिए सारी बात चाहते है। तुम हुकूमत किसकी चाहते हो? तुम अपने दिलों में किसी और की हुकूमत चाहते हो? जबकि ये है तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा मालिक हकीकी, इसकी हुकूमत तुम्हारे दिलों पर होनी चाहिए, इसका डर और खौफ और इससे उम्मीदें तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए। तुम मखलूकात से उम्मीद रखते हो, मखलूकात का डर और खौफ अपने दिलों में रखते हो। लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फन्ना तुसरफून, जाहिलो कहां पलटे जा रहे हो, कहां मुंह फेरे जा रहे हो? फन्ना तुसरफून, अपने रब को छोड़कर कहां सर पटक रहे हो, अपने रब को छोड़कर किसके आगे मगफिरत मांग रहे हो, अपने रब को छोड़कर किसके आगे रोते और गिड़गिड़ाते हो? फन्ना तुसरफून, कहां भटके हुए जा रहे हो? क्या सवाल है अल्लाह तबारक वतआला। वाकई इन आयतों से जो अल्लाह का जलाल और गुस्सा नजर आ रहा है, वही मोहब्बत नजर आ रही है। तो हमें तबाह बर्बाद करना चाहिए इंसानों के शिक्र की वजह से, फिर भी अल्लाह तआला नसीहतें करता हूँ, हाँ पूछता है, देखो ये सब कुछ करने वाला मैं हूँ, कहाँ जा रहे हो? ये अंदाज क्या बतला रहा है आपको? ये दुश्मनी नहीं कर रहा है, मोहब्बत है ये अल्लाह तबारक तआला की अपनी 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 मखलूक से, कि देखो मैं हूँ ये सब कुछ करने वाला। फन्ना तुसरफून, कहाँ जाते हो? इधर आओ मेरे पास, मेरे आगे रो, गिड़गिड़ाओ, रुकू करो, सिजदे करो, मुझसे मांगो, मैं सबसे ज्यादा बख्शने वाला हूँ, सबसे ज्यादा माफ करने वाला हूँ, गुनाह करो मेरे आगे आओ, बोलो अल्लाह बख्श दे, मैं बख्श दूंगा। आज भी ईसाइयों में
ये चलन है कि जो चाहे गुनाह करो, हफ्ते में एक बार इतवार के दिन चर्च में जाओ। ईसा के तरह में नहीं, पादरी जो होता है उनका फादर, उसके आगे एक पर्दा होता है बस दोनों के बीच में, उसके आगे बोलो मैंने रात के 12 बजे फला लड़की के साथ जिना किया, दूसरे दिन सुबह उठा फला बूढ़े का मैंने कत्ल किया, फिर जब शाम हुई तो फला बच्चे को मैंने मार दिया, सब पूरी फहरिस्त गिना दो। वो सब सुनेगा, हाँ बोलेगा जाओ ईसा जीसस ने तुम्हारे सारे गुनाहों का कफारा पहले ही दे दिया है, अपना मर्डर करवा कर, अपनी जान देकर। हाँ, वो खुश होकर चला जाएगा ताकि अगले हफ्ते की और तैयारी करे। ये ईसाई इनकी चक के पास चलन, सिर्फ आओ अपनी फहरिस्त गिना दो, इसको ही बहुत बड़ा कमाल समझते, बहुत बड़ा कमाल समझते। मैं कहता अल्लाह के बंदो, किसी इंसान के आगे झाकर फहरिस्त गिनवाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के आगे यही फहरिस्त गिनवाओ। कसम खुदा की, कसम अल्लाह की, रब्बे काबा कसम है, अल्लाह तआला फौरन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, इस दुनिया में खुशहाल जिंदगी देगा और आखिरत में जन्नत का वादा है अल्लाह का। सिर्फ अल्लाह के आगे ये गुनाहों की फहरिस्त रखो, इंसानों के आगे रख रहे हो, इंसानों के आगे जो कि झूठे है, वो खुद गुनाह में मुलविस है, वो क्या तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश करवाएगा। अल्लाह कह रहे फन्ना तुसरफून, अपने रब को छोड़कर कहां जाते हो जाहिलो, अल्लाह के पास आओ, अल्लाह के आगे रो गिड़गिड़ाओ, वो बड़ा बख्शने वाला है। ये थी दो आयतें सूरह आल इमरान की, यहूदियों और मुशरिकों को नसीहत करते हुए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें अल्लाह से बड़ी वालहाना हद दर्जा मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक ताला हमें शिर्क और कुफर से बचाए, तौहीद से मोहब्बत और तौहीद का जज्बा अल्लाह तबारक ताला हमारे दिलों में डाल दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।